ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अधिकारों की बजाय कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 अधिकारी होंगे पुरस्कृत। प्रदेश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अब हर सोमवार को प्रार्थना के बाद संविधान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। और देशभर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अधिकारों के बजाय कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 49 बच्चों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि इतनी कम उम्र में इन बच्चों के अद्भुत कार्य को देखकर वे हैरान हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने कठिन परिस्थितियों में लड़ने का साहस दिखाया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वालों में रायपुर के हर्ष अग्रवाल और अनमोल राठी शामिल हैं। इन बच्चों ने लार से अग्नाशय के कैंसर को शुरूआती चरण में ही पहचानने का डिवाइस बनाया है। उन्हें कल राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर में आज जनसंपर्क अभियान के तहत अंतिम दिन कई केंद्रीय मंत्रियों चेनानी कोटरनका सोपोर और हरवान खंडों का दौरा किया। इन मंत्रियों में गिरिराज सिंह रविशंकर प्रसाद प्रहलाद जोशी और रमेश पोखरियाल शामिल हैं। इन मंत्रियों ने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और लोगों से मुलाकात करके पंचायत और प्रखंड विकास परिषदों को मजबूत बनाने के लिए उनसे सुझाव मांगे। इस अभियान के तहत केंद्रीय मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार इस प्रदेश के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में प्रदेश में हुए नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वाले कांग्रेस के नवनिर्वाचित महापौर सभापति और अन्य जनप्रतिनिधियों ने आज नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य भी मौजूद थे। नवनिर्वाचित महापौर और सभापतियों को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें बधाई देते हुए सलाह दी कि वे जीत पर अहंकार न करते हुए गरीबों के उत्थान के लिए प्राथमिकता से कार्य करें। रायपुर पुलिस मुख्यालय में आज 8 विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पुलिस मॉडर्नाइजेशन विवेक भारद्वाज ने बताया कि पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों की जो भी जरूरतें होंगी उन पर विचार कर जल्द से जल्द प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण के प्रकरणों को जल्द सुलझाने में मदद मिलती है। बैठक में छत्तीसगढ़ के अलावा गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मिजोरम और नागालैंड के पुलिस अधिकारी और फोरेंसिक एक्सपर्ट शामिल हुए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के 10 अधिकारी सम्मानित होंगे। पिछले वर्ष निर्वाचन कार्यों के संपादन में उत्कृष्ट कार्य के लिए बीजापुर जिले को और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के बेहतरीन संचालन के लिए धमतरी जिले को पुरस्कृत किया जाएगा। इस बीच राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने इस साल 1 जनवरी को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी युवाओं से अपील की है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाएं और मतदाता फोटो परिचय पत्र प्राप्त करें। प्रदेश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अब हर सोमवार को प्रार्थना के बाद संविधान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार माह के प्रथम सप्ताह में संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा होगी, वहीं दूसरे सप्ताह में संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों, तीसरे सप्ताह में मौलिक कर्तव्यों और चौथे सप्ताह में राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर चर्चा की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट से हमें लाइक करने के लिए सर्च करें छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR और रोज पढ़ें प्रादेशिक समाचार फेसबुक पर भी। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश की जनता के नाम अपना संदेश देंगे। इसका सीधा प्रसारण कल शाम 7 बजे से आकाशवाणी नई दिल्ली से किया जाएगा। इस वजह से आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल शाम 7:05 के स्थान पर रात्रि 9:16 पर प्रसारित किया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का प्रसारण 26 जनवरी को आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से सुबह 8:30 से किया जाएगा। देशभर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 से हर वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में बालिकाओं के समक्ष असमानता की चुनौती के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जांजगीर में बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान का संदेश देने जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने कहा कि बेटियों के सशक्तिकरण के साथ ही हमें आज उन्हें सुरक्षित और सहज माहौल देने की भी जरूरत है। वहीं राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने आज अपने स्थापना दिवस को रन फॉर गर्ल चाइल्ड थीम से जोड़ा। इस मौके पर आज भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 5 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया। विभिन्न श्रेणियों में आयोजित यह दौड़ जयंती स्टेडियम से शुरू हुई। इस दौड़ में सेल के 2000 से अधिक कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों के अलावा सेल द्वारा संचालित स्कूलों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। विजयी प्रतिभागियों को बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता सम्मानित किया। इसके अलावा भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर और माइंस में बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया। बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता, संयंत्र के आदिशासक निदेशक के अलावा वरिष्ठ नागरिकों ने पौधे लगाकर पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। इस अवसर पर बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता ने 1000 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ ही सांसद और विधायक भी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी ने अरमारी कला पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित किया। इसी तरह बालोद जिले में भी चुनावी प्रचार पूरे जोरों पर है। जगह जगह फ्लैक्स, बैनर और झंडे दिखाई दे रहे हैं। जिला प्रशासन भी मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। बच्चों में विज्ञान और गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से मुंगेली में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की जीवनी पर आधारित निबंध, भाषण, पोस्टर, रंगोली और पहेली प्रतियोगिताओं में स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी की खदानों से छत्तीसगढ़ के लौह उद्योगों को लौह अयस्क रियायती दर पर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से बस्तर संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दंतेवाड़ा और जगदलपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल रायपुर के गुढ़ियारी स्थित भारत माता चौक में भारत माता की महाआरती और देशभक्ति संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। कांकेर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई। इस रैली में शहर के व्यापारी, युवा और वरिष्ठ नागरिक शामिल हुए। जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार पुलिस ने एक वाहन से 20 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोरबा वन मंडल में कल रात भालू के हमले में एक महिला की मौत हो गई। दुर्ग जिले के अंजोरा पुलिस ने ट्रक लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा ने बताया कि आरोपियों के पास से करीब 30 लाख रूपये बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स द्वारा डिजी लॉकर और उमंग ऐप के संबंध में रायपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और जशपुर जिले के जशपुर ब्लॉक के स्कूलों में रेडक्रॉस कॉर्नर स्थापित किया गया है। इससे अब बच्चों को स्कूल परिसर में ही प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने आज भागलपुर प्राथमिक शाला में रेड क्रॉस कॉर्नर का शुभारंभ किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अधिकारों की बजाय कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 अधिकारी पुरस्कृत होंगे। प्रदेश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अब हर सोमवार को प्रार्थना के बाद संविधान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। और देशभर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।